नमस्कार प्रिय किचन को स्वागत करुच्ची। आज आपण सहित सेयार करुच्ची पटर रे गोटे नुआ तरकारी रेसिपी। एही तरकारी रेसिपी को आमे रुटी परोटा भात सहित खाइबा बहुत बढ़िया लगे। ता सहित छोटरु बड़ समस्त को बहुत पसंद लगे। वीडियो को पूरा देखु स्किप न करूँ जानपर केते सहजरे आम गोटे पटल तरकारी तैयारी करिबा। जदि रेसीपीटी आपको भल लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिंतु। पाखे बेल आइकन को क्लिक करूँ जिते नुआ रेसीपी यावि तार नोटिफिकेसन सर्वप्रथम आपण मानक जीव। तो पटल तरकारी आज आम कौन कौन सामग्री सब ना आसतु देखा। ये हाफ के जी पटल नहीं पटल को एवं तार चपा टी कभर काढ़ीद उपरे हल्का हल्का गोटे चाकू साइफ साहय तापरे काढ़ी सारापुर सबूत सैड रू टे तार कट करदे। दि साइड को कट कर सारापुर या भल भाव धोईदा। ये देखो पटल को भल भाव धोईदे आ दि साइड भी कट करदे। टे बड़ सैज पटल को आम तीन फाड़ कर काटा। तो ये आपने दीफाड़ कर भी काटिपारे। तो टे छोट छोट पीस कर काटिले पटल भाजवा बढ़िया हम से टे तीन पीस कर काटिदे। तो यहपर अन्न सब पटल को भी काटिद। देखु पूरा कषी पटल अच्छी पटल को एवं साइड कर रखिद। तापर एवं कढ़ई बसईवा कढ़ईरे एवं तेल दबा। तो ये सोरस तेल दौटी तीन रु चार चामच सोरस तेल दौर। तो सोरस तेल टे गरम होगला पटल को तेल छाड़ा आउ भाजवा। तापर पटल को एपट सपट कर भल भाव मिक्स करदे। मिक्स कर सारापर ये आम कभर करदे चारु पाँच मिनट पाई। आ गैस रा फ्लेम को ये लो मीडियम रखा। यहपर आम दुई रु तीन थर कभर खोल आउ मिक्स करवा। यहपर दुई रु तीन थर कर गैस रा फ्लेम ये लो मीडियम रखा आउ फ्राई करवा। देखिए जल्दी आमर पटल भजा भी हो पटल भी पूरा भल भाव सीझे। तो यहपर दुई रु तीन थर करवा भितर एवं गैस या सैड कर यहपर कभर करदे। आउ ए मसला सब ना ये देखते नहीं पिज एठी नहीं नड़िया टमाटो गोटे आउ नहीं रसुण चीना बादाम आउ दीटा शुखला लंका अदा आउ मसला गुंड रे नहीं देखु लुण काश्मीर लंका गुंड हलदी गुंड धनिया गुंड जीरा गुंड गरम मसला गुंड आउ ये आपने सब्जी मसला भी यूज करें। तो देखु केते सुंदर भाव आमर ये भजा भी रेडी जाइए पूरा परफेक्ट भाव आउ यहीपर आपण करेंगे बहुत शीघ्र हम। आदि खला करवा मंजी थी मंजी तार छिटा आसव तेल छिटा। तो ये देखो एवं गोटे ग्राइंडर जार ना ग्राइंडर जारे मसला सबू ग्राइंडिंग करदे आ गए स्मूथ पेस्ट रेडी करवा। तो ये सब ना प्याज को छाड़ी सब मसला ये गोटे पेस्ट रेडी करवा। ये देखो से तेल रे तेल दबा आउ ये प्याज दबा। प्याज को एवं टे गोल्डन कलर हवा पर्यंत फ्राई करवा। ये आपने डालचीनी लवंग तापर आम तेजपत्र सब भी नहीं तैयारी करिपारिबा। तो से सब स्किप कर यूज भी करें। तो देखो ये प्याज को गोल्डन कलर हवा पर्यंत फ्राई करवा। तो गोल्डन कलर हो जाए समय आम कौन करवा ना काश्मीर लंका गुंड दबा। काश्मीर लंका गुंड जिते आम प्याज गोल्डन कलर हो समय दिले तो मसलार कलर भल आस तरकारी देखापी सुंदर लगे और खायापी भल लगे। तो देखो एवं मसला भी जिते काश्मीर लंका गुंड दबा से समय आम ग्राइंडिंग करके रखी मसला प्याज सरी रसुण अदा लंका सबू तार पेस्ट देदे। आउ ये टे मिक्स करदे। मिक्स कर सारापर तापर ये दबा हलदी गुंड हलदी गुंड को दे सारापर तापर भल भाव मिक्स करदे। तापर ये अल्प पा दबा आ पा दे भल भाव मिक्स करदे। मिक्स कर सारापर ये आम दुई रु तीन मिनट कभर करदे। दुई रु तीन मिनट हो जाए कभर खोल देखो ये मसलार तेल छाड़ जाइए मसला कषा हो आई मसला को आम जो भल भाव कषा तार तरकारी टेस्ट से भल आस। तो आपने मसला को अधिक समय कषे बहुत बढ़िया लगे। तापर एवं दबा फ्राई करके रखी पटल को पटल को मसला सहित भल भाव मिक्स करदे। मिक्स जिते कर सारे देवा मसला गुंड सब एवं मसला गुंड सब दे सब भेदिव पटल भितर को। तो ये सब मसला गुंड सब देवा
ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଥରେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ହାଫ୍ ସ୍ପୁନ୍ ସବୁ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ନେଇଛି, ଏସବୁ ଦେବା, ଆଉ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ନେଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଆଉ ଏଇଠି ଏବେ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ପୋଟଳରେ ସବୁ ମସଲା ସବୁ ଭେଦିଯିବ। ଆଉ ଏଇଠି ଶୁଖା ଶୁଖା ହେଇଯିବ, ଏଇ ସମୟରେ କ'ଣ କରିବା ନା ଟିକେ ହାଲୁକା ପାଣି ଦେବା। ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଲା ପରେ ମସଲା ସବୁ ପୋଟଳ ଭିତରକୁ ଯିବ। ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗିନାରେ ହାଫ୍ ଗିନା ପାଣି ନେଇଛି, ତାପରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ତ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଏହିପରି କଷା କରିବି ଖାଇବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ରୁଟି ପରଟା ସହିତ, ପୁରୀ ସହିତ, ଆଉ ପଖାଳ ଭାତ ସହିତ କଷା କରି ଖାଇବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ କଭର୍ କରିଦେଇଛି। କଭର୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ପୋଟଳ କଷା ବି ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ତ ଏହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ରଖିଥିବା ଚିନାବାଦାମ ଆଉ ଆମର ନଡ଼ିଆ, ତା ସେଇ ପେଷ୍ଟକୁ ବି ଏହି ସମୟରେ ଦେବା। ଆଉ ବହଳିଆ ବହଳିଆ ଝୁକଝୁକିଆ ରଖି ଓହ୍ଲାଇ ପାରିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି ପୋଟଳ, ତ ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି ଏଇଠି ପୋଟଳ କଷା। ତ ଆପଣମାନେ ଏତିକିରେ ବି ଆପଣମାନେ ଖାଇପାରିବେ ରୁଟି ପରଟା, ଆଉ ପଖାଳ ଭାତ ସହିତ ବି ଖାଇବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ତ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ରଖିଥିବା ଏଇଠି ଚିନାବାଦାମ ଆଉ ନଡ଼ିଆର ପେଷ୍ଟକୁ ଦେବା, ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଏବେ 3 ରୁ 4 ମିନିଟ୍ ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଆଞ୍ଚରେ ଏହିପରି ଏପଟ ସେପଟ କରି ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଇଠି ଟିକେ ପୁରା ପାଣି ଦେବା, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ପୋଟଳ ବୁଡ଼ିଯିବ ସେପର୍ତ୍ତିକି ପାଣି ଦେବା। ପାଣି ଦେଇସାରିଲା ପରେ 3 ରୁ 4 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ କଭର୍ କରିଦେବା, ଆଉ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଧନିଆ ପତ୍ର ନେଇଛି କିଛି, ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଯଦି ଧନିଆ ପତ୍ର ନାହିଁ ତାହେଲେ କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ଆପଣମାନେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ 3 ରୁ 4 ମିନିଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଫୁଟିବା ପାଇଁ ବି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି, ତାପରେ ଥଣ୍ଡା ବି ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଏହାକୁ ଝୁକଝୁକିଆ ରଖିଛି ଭାତ ସହିତ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ରୁଟି ସହିତ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତ ଆଉ ଟିକିଏ ଝୋଳ ମାରିଦେବେ ବା ଶୁଖାଇଦେବେ, ଆଉ କରିବେ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଏତିକିରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, ଖାଇପାରିବେ ରୁଟି ପରଟା ଭାତ। ତ ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି ଆମର ପୋଟଳ ତରକାରୀ ବା ପୋଟଳ କର୍ମା ବି କହିପାରିବେ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଏଇ ରେସିପିଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।